शीट नंबर 44 में एक क्वेश्चन है जिसमें ये रेजिस्टेंस है 3333 और ये एक कैपेसिटर है, और आपको इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस बताने क्या होगा। अब सबसे पहला काम, बैटरी जब लगाई गई होगी, ऑन की गई होगी, करंट हर वायर में गया होगा इंक्लूडिंग कैपेसिटर, उसके बाद बहुत जल्दी कैपेसिटर चार्ज हुआ होगा, फिर वो फुली चार्ज हो गया होगा, जब वो फुली चार्ज हो गया तो करंट जाना इसमें बंद हो गया, क्योंकि आई क्या होता है डी क्यू बाई डी टी, क्यू कॉन्स्टेंट हो गया फुली चार्ज तो आई जीरो हो गया। हमें जो क्वेश्चन दिए होते हैं उसमें स्विच नहीं दिया होता, अगर स्विच लगा होता उसको दबाना पड़ता, हाँ फिर हर वायर में शुरू में करंट जाता, इसमें स्विच नहीं है, इसका मतलब ये ऑलरेडी चार्ज हो चुका है, इसमें करंट बहुत देर से जा चुका है, क्योंकि जब ये सर्किट बना होगा कॉपी में प्रिंट हो गया होगा तब तो अब तक तो फुली चार्ज हो भी गया होगा, इमेजिन ऐसे कर लो, और क्या स्विच तो है नहीं, ये तो फुली, अब तुम दो घंटे बाद देखोगे तभी ऐसे दिखेगा, करंट कहाँ दौड़ेगा, तो करंट इसमें जा चुका, अब रेजिस्टेंस के अंदर करंट ही करंट है, कैपेसिटर के ऊपर प्लेट्स पे चार्ज आ चुका है, इस कंडीशन को बोलते हैं स्टेडी स्टेट। तो ये स्टेडी स्टेट है, स्टेडी स्टेट का मतलब जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, फुली चार्ज में कैपेसिटर डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है, याद रखना फुली चार्ज जब हो जाता है तो कैपेसिटर डीसी करंट को ब्लॉक कर देगा, जाने नहीं देता। तो बड़ी कॉमन स्टेटमेंट है, अगर बैटरी लगी हो और कैपेसिटर लगा हो और स्विच ना लगा हो, ये फुली चार्ज माना जाएगा, तो इसके वायर में कोई करंट नहीं दौड़ेगा, सारा करंट आर में से जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, क्योंकि इस ब्रांच में करंट कैपेसिटर ब्लॉक कर देगा। तो रिजल्ट क्लियर है, ठीक है यहां तक, पर हाँ कैपेसिटर में शुरू में करंट गया था, अब नहीं जा रहा, कैपेसिटर में चार्जेस आ चुके हैं, कैपेसिटर फुली चार्ज है, आपको बताना है इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो कॉन्सेप्ट यह है कि ये प्लेट इसके साथ कनेक्टेड है और ये वाली प्लेट इसके साथ कनेक्टेड है, इस रेजिस्टेंस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं क्योंकि इसमें कोई करंट है ही नहीं, राइट? तो ये लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे, इसमें करंट ही नहीं है। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस एफ और सी का निकाल दूं, यानी कि अगर मैं वीसी निकाल दूं तो ये प्लेट वीसी पे हो जाएगी, और ये वीएफ है तो ये प्लेट वीएफ पे हो जाएगी, तो अगर मैं इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दूं वही कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस माना जाएगा। तो एक्चुअल में मेरे को कैपेसिटर के साथ कोई क्वेश्चन लेना देना है ही नहीं, एक्चुअल में तो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे किस में निकालना है, सी और एफ में। क्या ये पहला रिजल्ट क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो एक काम करो, पहले ना इस कैपेसिटर वाली ब्रांच को दो मिनट हटा दो, नहीं चाहिए। तो आपके पास ये डायग्राम बनता है, इस डायग्राम में करंट को छोड़ दो, ये बताओ ये दोनों, ये जो तीन और तीन किसमें रहेंगे सीरीज में, तो छः और तीन पैरेलल में, तो क्या आएगा दो और तीन सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी 5 और टोटल करंट क्या आएगा 15/5 3 एम्पियर। तो बैटरी में से कितना करंट बाहर निकल रहा है 3 एम्पियर। ठीक है यहाँ तक। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर बैटरी में से 3 एम्पियर करंट बाहर निकल रहा है कुछ ऐसे, तो चेक करना, यहां एक रेजिस्टर है, यहां भी एक रेजिस्टेंस है, यहां भी है क्या है? नहीं, यहां नहीं है, यहां पे है, ऐसे है ना, 3 ओम 3 ओम 3 ओम, और ये बैटरी कितने वोल्ट की है, 15 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पे भी है 3 ओम, बस यही है ना। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम था, हमने करंट कितना निकाला था अभी 3 एम्पियर, 3 एम्पियर करंट इन वायर में जाएगा और घूम के कहाँ आएगा, वापस बैटरी में ही आएगा। ठीक है, तो इसमें तो पक्की बात है कितना होगा 3 एम्पियर, तभी तो वापस 3 एम्पियर आएगा, बैटरी का रूल क्लियर। अब इस ब्रांच में 3 एम्पियर करंट डिवाइड हो जाएगा, कुछ इसमें कुछ इसमें, कैसे डिवाइड होगा, एक काम करते हैं, पहले इसको ऐसा कर लें जैसे अभी बनाया था, ये क्या था 6 ओम, ये क्या है 3 ओम, और ये क्या है 3 ओम, ऐसे
ये लो, ठीक है। तो कितना करंट था, 3 एम्पियर का करंट था। 3 एम्पियर का करंट अब डिवाइड होगा 6 और 3 में, 6 और 3 में डिवाइड होगा। तो कैसे करना है ये देखो, तो जब ये 6 और 3 में डिवाइड होगा तो ये कितना है I1, ये कितना है I2, राइट। I1 प्लस I2 3 एम्पियर है। मुझे पता है दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में V की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, तो I1 और I2 की रेशियो क्या जाएगी 2:1, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, I2 I1, रादर हमें जो है I2 की वैल्यू निकालनी है। I2 क्या होगा बोलो, I2 विल बी इक्वल टू 1 1 प्लस 2 इंटू 3 एम्पियर। तो सॉल्व करके I2 की वैल्यू क्या जाएगी, 1 एम्पियर। तो I2 1 एम्पियर आ गया, यानी कि ये वायर में करंट 1 एम्पियर आ गया, इस वायर में जो करंट है वो 1 एम्पियर आया, इसके अंदर भी 1 एम्पियर आया, टोटल यहाँ पे 3 एम्पियर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है 2 एम्पियर है। तो मैंने करंट की डिस्ट्रीब्यूशन निकाल ली, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या था सी, ये पॉइंट क्या है एफ, और हमें सी और एफ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो आप ऐसा करो, इसका अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इसका नाम मान लो डी है, तो ये बताओ करंट अगर नीचे आ रहा है तो सी बड़ा है डी छोटा है, तो वी सी माइनस वी डी ओम लॉ से क्या होगा 1:3, और करंट इधर जा रहा है तो वी डी माइनस वी एफ इज इक्वल टू 3:3 ओम लॉ। तो अगर मैं इन्हें एड कर दूं, वी डी वी डी कैंसिल, तो वी सी माइनस वी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 प्लस 3 12 वोल्ट, आंसर 12 वोल्ट आंसर आ गया। समझ में आ रहा है यहां तक, वैसे ये करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपने सी से एफ पे जाना है ना, सीधा बोलो सी से डी तक ओम लॉ 3:1, डी से एफ तक 3:3, सीधा एड करके भी आंसर आएगा 12 वोल्ट आएगा। सी और यहां के बीच में निकाल रहा है ना, ऊपर रजिस्टर में करंट ही नहीं है, तो लगाओ ना लगाओ फर्क क्या पड़ रहा है उसमें, बिना करंट के पोटेंशियल के ओम लॉ कैसे लगेगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है कैसे करना है। तो जब भी आप डीसी करंट बैटरी के साथ एक कैपेसिटर दिखें, तो चार्ज तो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, उसको उड़ा दें, अपने मन में उसको उड़ा दें, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि कैपेसिटर ने तो करंट को अपने अंदर से अलाउ करेगा नहीं कि पास हो। तो यही इसमें किया हुआ आंसर 12 वोल्ट आएगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बड़ा आता है, मेंस में आया, नीट में आया, एनसीईआरटी में आया, हर जगह दिखता है ये। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है VA और VB का। कितने लोग एग्री करते हैं A इज अ जंक्शन, नहीं पॉइंट है A, क्यों, क्योंकि A से कौन सा कोई करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, ये जंक्शन नहीं है, ये पॉइंट है। तो आपको ये रेजिस्टेंसेस गिवन है और ये वी गिवन है, आपको ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक। तो ये दोनों किसमें है, सीरीज में, ये दोनों किसमें है, सीरीज में। तो क्या आएगा, 3 प्लस 1 4, ये क्या है 1 और 3 4, 4 और 4 पैरेलल, पैरेलल में आंसर क्या आएगा 2 ओम, ठीक। तो वी ए माइनस वी बी निकालना है, तो आपने पहले करंट निकालना है, इसमें करंट क्या आएगा 5 एम्पियर। अब क्योंकि ऊपर 4 ओम है, नीचे भी 4 ओम है, तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा 5 एम्पियर 2.5 और 2.5 में, 2.5 2.5 में। तो वी सी माइनस वी ए आई इंटू आर, वी सी माइनस वी बी आई इंटू आर, ये देखो वी सी माइनस वी ए, वी सी माइनस वी बी दोनों वैल्यूज आ गई। अब वी सी माइनस वी ए आ गया, वी सी माइनस वी बी आ गया, एक काम करो इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करो, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ताकि वी सी और वी सी क्या हो जाए, कैंसल। तो वी सी वी सी कैंसल हो गया, देखो ये माइनस हो गया, सॉल्व करके अपने आप वी बी माइनस वी ए आ गया, और फिर वी ए माइनस वी बी आ जाएगा,
पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कैसे करना है इसमें? ठीक, व्हीटस्टोन भी जब हमने किया नहीं, आगे नहीं चलना हमने इसमें, ये हमने कर लिया था, ये हमने कर लिया,